जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। नाम अपना? मेरा नाम राम बहादुर है। 22 तारीख को जो है प्राण प्रतिष्ठा होनी है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। हमारे भगवान श्री राम जो हमारे दरबार में आ रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं, राम लला जी हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमारे योगी मोदी जी हैं, बहुत अच्छा, बहुत धार्मिक काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे हमारे प्रभु जो हैं श्री राम जी तो अपने घर आ जाएंगे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है हम संतों के लिए, और क्या हो सकता है। लेकिन नेप्त में अगर जाया जाए तो बहुत संघर्ष रहा है, 500 वर्षों का संघर्ष रहा है। कितने कार सेवक जो है अयोध्या का सरजू का जल लाल हो गया, उसके बारे में क्या कहना, क्या उनको याद करके क्या आपके मन में क्या आता है? देखो, उनको भगवान श्री राम की जो है हम तो कहेंगे अनुकंपा प्राप्त रहे, और भगवान श्री राम हमारे सबके लिए हैं, किसी एक के लिए नहीं है, वो सबके हैं और सबका उन्होंने उद्धार ही करेंगे। जो उनके लिए मर गए हैं, जो नहीं रहे, जीवन छोड़ दिया, अपना शरीर त्याग दिया है, उनके लिए भी भगवान वही करेंगे जो हम लोगों के लिए कर रहे हैं, और उन्होंने हमेशा सबका उद्धार ही किया है। तो जो जिनके द्वारा नदी का, हमारे सरयू जी का, परम पूज्य सरयू जी का जो रक्त जल हमारा जो है लाल हुआ है, उसके द्वारा जो है भगवान उनको जो है सदगति ही प्राप्त करेंगे। और जो इन्होंने ऐसा किया वो भी प्रभु के ही हैं, वो कहीं ना कहीं से गलतियां होती हैं, टूटियां होती हैं, तो वो उनको सही कर लेंगे, वो सब चलता रहेगा। ये तो प्रभु की लीला है, आज किसी के साथ है, कल किसी के साथ होगा, वो तो होता रहेगा। केवल नाम के भगवान श्री राम के, उनके चरणों में समर्पित कर दो अपना मन तन, बस यही हमारा उद्देश्य है, बस और कुछ नहीं, हमारा जीवन यही है। आप तो युवा हैं, अध्यात्म तरफ कैसे गए? हम युवा हैं, हम ये शरीर हमारा युवा है, मेरा जो आत्मा है वो पुराना है, बहुत पुराना है, वो आज का नहीं, आज का है, वो जो आद है उसी से हमारा ये जीवन आया हुआ है। ये तो केवल शरीर मिला है, ये कपड़ा, जैसे हम कपड़ा पुराना हो जाता बैंक देते हैं, वैसे हमारा शरीर बदलता रहता है, लेकिन हमारी आत्मा पुरानी रहती है। जब एक बच्चा शिशु पैदा होता है तो वो बिल्कुल छोटा होता है, लेकिन उसको कैसे पता होता कि हम दूध कैसे पिए, क्योंकि वो पुराना है, उसको पता होता है कि मैं दूध पीने जा रहा हूँ, तो वो पुराना है। तो आत्मा हमारी पुरानी है, ये बच्चा, ये शरीर हमको मिला है, कपड़ा मिला है, ये तो आज है कल चला जाए, इसका कोई वो नहीं। परमात्मा हमारा अजर अमर है, तो हमारी आत्मा अजर अमर है, हम उस आत्मा, उस परमात्मा के लिए जीते हैं, बस ये शरीर का कोई वो नहीं है। जी जी, पुराना हुआ नया है तो चलता रहेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कुछ हुआ और है? हाँ बताइए, कैसा लग रहा है? बहुत हर्षोत्साहित हो रहे हैं, इतने दिनों के बाद आज हम स्वर्ग में आए हैं, ऐसा लग रहा है। वाह 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 वाह। मन तो था कि आज हम मंदिर में दर्शन करते राम के, मगर हम पहले आके एक उनका योगदान जो हम लोग ने किया था और एक मंदिर स्वरूप पहले उसकी देन हो, और हम अपने साथ ऐसी चीज़ें ले जाना चाहते हैं जो हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आप घर घर दिवाली मनाएं, तो हम अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा की जगह ये झंडे का अब ले जाके एक प्राण प्रतिष्ठा बैठाना चाह रहे हैं जय श्री राम की। जी जी जी। और उन्हीं के भव्य की तैयारी में लगे हुए हैं, हम भी अपने घर आयोजन करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, प्रसाद वितरण करेंगे। जी जी जी। बहुत शुभ नाम सर। अंजनी श्रीवास्तव। अंजनी श्रीवास्तव सर, आप क्या कहना, आपका क्या कहना है? हम कहना चाहते हैं कि जो इससे पहले जब हम आए थे तो बहुत धर्मसभा, जब धर्मसभा हुई थी तब आए थे, तो काफी हम लोगों ने सोचा था कि मंदिर बने, अब हम लोगों की बन रही है मंदिर, तो हम लोग बहुत खुश है, बहुत ज्यादा ही खुश है, इतना खुश है कि हम बता नहीं सकते। अब आना चाहते थे हम लोग उसमें, अभी 22 तारीख को, और उसमें इतनी भीड़ होगी नहीं आ पाए, 22 के बाद आएंगे, अभी भी आए हैं। जय जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार फिर बोलिए जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। गुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद।